2023 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला में टीम इंडिया कप्तान रोहित शर्मा का हाथ में ही और फाइनल मुकाबला टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया का हाथ हार गई। जब ये फाइनल मैच टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया का हाथ आ रही है तो रोहित शर्मा बहुत ही भावुक हो गो और रोहित शर्मा आपकी कप्तानी छोड़वा को फैसला भी कर लियो। लेकिन अब बीसीसीआई जबरदस्ती रोहित शर्मा ने कप्तानी दे रही है और रोहित शर्मा ने बोल दी कि 2024 का वर्ल्ड कप तक टीम इंडिया की कप्तानी करनी पड़ेगी। और थाना अगर मैं बताऊं वर्ल्ड कप से पहले की बात तो जब यो 2023 को वर्ल्ड कप नहीं खेलोगे हो इससे पहले बीसीसीआई खुद प्लान कर रही कि 2024 को वर्ल्ड कप हार्दिक पांडे कप्तानी में टीम इंडिया खेले। लेकिन एक बार फिर से रोहित शर्मा ने कप्तान देने का पीछे एक ही कारण है कि 2023 का वर्ल्ड कप में टीम इंडिया बहुत ही बढ़िया खेल दिखायो और टीम इंडिया 10 मुकाबला जीते भी लेकिन लास्ट का मुकाबला में टीम इंडिया की किस्मत साथ कुन दियो और चलो वो मुकाबला टीम इंडिया हार गई। टीम इंडिया फाइनल मुकाबला हार तो गई लेकिन इस फाइनल मुकाबला में टीम इंडिया वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतने में कोई भी कसर कुन छोड़ी और इस बात को दुख रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ने बहुत ज्यादा हुए और हाल ही में रविचंद्र अश्विन ने इस बात को खुला शुक्रिया है। रविचंद्र अश्विन वर्ल्ड कप 2023 टीम में जरूर हो लेकिन प्ले 11 में कौन खेले। अब रवि अश्विन बताए कि जब टीम इंडिया फाइनल मुकाबला आज के ड्रेसिंग रूम में गई तो रोहित शर्मा और विराट कोहली बहुत ज्यादा रो रहा और इन दोनों ने रोता देख की पूरी टीम इंडिया बहुत ज्यादा भावुक होगी। तो यह बात तो सच है कि रोहित शर्मा 2023 को वर्ल्ड कप जिताने में टीम इंडिया के लिए बहुत ही मेहनत करी है और इस मेहनत ने देख की बीसीसीआई खुद चाहे कि रोहित शर्मा अगले अबड़ 2024 के T20 वर्ल्ड कप की कप्तानी करें। लेकिन ये सब देख के विराट कोहली का जो फैन ही वे एक बार फिर से भड़क रही और फैन को जो भड़कना का कारण वही है कि जब विराट कोहली आईसीसी टूर्नामेंट आ रहा तो सब यह बोल रहे कि विराट कोहली किस्मत में आईसीसी ट्रॉफी कुन्या। लेकिन अब जब रोहित शर्मा खुद आईसीसी ट्रॉफी हार रहे रोहित शर्मा पिछले कुछ 2-3 साल में 3 आईसीसी ट्रॉफी गवा दिए। हमें आईसीसी वर्ल्ड कप 2022 को वर्ल्ड कप 2023 को ओडीआई वर्ल्ड कप और साथ ही टेस्ट चैंपियनशिप 2022 भी रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया खेली। जब 2022 को T20 वर्ल्ड कप टीम इंडिया आ रहे हो तो बी के बाद में बीच से खुद विराट कोहली से कप्तानी छीन ली। लेकिन अब जब रोहित शर्मा वर्ल्ड कप आ रहे हैं तो बीसीसीआई खुद सामने चल के रोहित शर्मा ने कप्तानी के लिए मना रही है। बीसीसीआई रोहित शर्मा का सागर सागर राहुल द्रविड़ ने भी कोचिंग के लिए मना रही है क्योंकि राहुल द्रविड़ को कोचिंग कार्यकाल खत्म हो गो और अब राहुल द्रविड़ कौन चाहे की कोचिंग आगे करा। लेकिन बी के बावजूद बीसीसीआई चाहे कि राहुल द्रविड़ 2024 का T20 वर्ल्ड कप तक कोचिंग पद पर रहे और कोच और कप्तान के साथ साथ बीसीसीआई जो भी सपोर्टिंग स्टाफ है यानी बैटिंग कोच बॉलिंग कोच जितना भी कोच हैं उन सब ने भी 2024 का वर्ल्ड कप तक रखना चाहे। और बीसीसीआई की ये सब बात देखी एक बात तो सिद्ध होगी कि अब 2024 को T20 वर्ल्ड कप टीम इंडिया रोहित शर्मा की कप्तानी में खेलेगी न कि हार्दिक पांड्या की कप्तानी में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर थानी वीडियो चोखो लग गए तो वीडियो लाइक करियो और चैनल सब्सक्राइब करके इस वीडियो थोड़े दोस्तों तक शेयर भी करियो।